हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर सही पढ़ा है कि आप किस तरह फ्री फायर के ओवीपी और एपीके फाइल को पैक कर सकते हो और उसे एक लार्ज फाइल से एक स्मॉल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आप किस तरह किसी भी बड़ा फाइल को कंप्रेस करके उसका फाइल साइज को छोटा कर सकते हो ताकि आपको आगे सेंड करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अक्सर क्या होता है, फ्री फायर, पबजी मोबाइल या फिर किसी भी लार्ज गेम का फाइल साइज काफी बड़ा होता है। उसका फाइल साइज लगभग 1 GB या फिर 2 GB के आसपास होते हैं, जिस वजह से काफी सारे लोगों को इसकी फाइल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है। बट आज के इस वीडियो में हम फ्री फायर के एपीके और ओबीबी फाइल को 50 MB के अंदर पैक करके दिखाएंगे और आप उसे 50 MB में ही डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी एरर के। आज के इस वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है जो लोग फ्री फायर के एपीके और ओबीबी को 50 MB में डाउनलोड करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है जो लोग फ्री फायर या फिर पबजी मोबाइल या फिर किसी भी लार्ज फाइल का कंप्रेसर बनाना चाहते हैं, यानी कि वो एक स्मॉल फाइल साइज में कंप्रेस हो जाए और बाद में जब उसे वापस एक्सट्रैक्ट करे तो वो उसी फाइल साइज में कन्वर्ट हो जाए। आज का ये प्रोसेस हम कंप्यूटर पर करने वाले। अगर आप चाहते हो कि आप किस तरह इस मेथड को मोबाइल पर कर सकते हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपके पास वो फाइल होना चाहिए जिस फाइल का आप कंप्रेसर बनाना चाहते हो। एग्जांपल के तौर पर हम फ्री फायर के एपीके और ओबीबी का कंप्रेसर बनाना चाहते हैं तो उस फाइल को हमने डेस्कटॉप पर बैकअप लेके रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास ये रहा फ्री फायर का ओबीबी फाइल और ये रहा एपीके फाइल। एपीके का जो आइकन है वो आपको ब्लू स्टिक का आइकन की तरह दिख रहा है क्योंकि हमने ब्लू स्टिक को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करके रखा है। तो चलिए अब हम इसकी फाइल साइज को दिखा देते हैं। हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो फाइल साइज है वो 642 MB का है और हम इसको कंप्रेस करके इसका फाइल साइज को अप्रॉक्स 40 या 50 MB के आसपास करने वाले हैं। काफी सारा वीडियो में आपको देखा जाता है 1 GB या फिर 2 GB की जो फाइल साइज है उसको 10 MB या फिर 5 MB में कंप्रेस कर देता है। वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हो। सो आप इस तरह कुछ हद तक इसे कंप्रेस कर सकते हो ताकि ये प्रॉपरली वर्क करे। अगर ऐसा होता कि GTA 5 जैसे गेम आपको 10 MB में डाउनलोड करने को मिल जाता तो कंपनी खुद आपको ये प्रोवाइड कर देती। सो आप इस तरह की चीज़ों के साथ ट्राई ना करें, मेरे ख्याल से ये वर्क नहीं करने वाला। सो चलिए अब हम इसे कंप्रेस करते हैं और देखते हैं कितना कंप्रेस हो पाता है। कंप्रेस करने के लिए आप यहाँ पर बिनरार या फिर 7zip का यूज ले सकते हो। हम यहाँ पर बिनरार का यूज कर रहे हैं जो कि एक फ्री टूल है और इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और फ्री फायर का ओबीबी फाइल को इसके अंदर मूव कर देंगे। उसके बाद हम इस न्यू फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, फिर ऐड टू आर्काइव इस पर क्लिक कर। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको काफी सारा ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको आर्काइव नेम देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो उस फोल्डर का नाम कुछ भी यहाँ से रख सकते हो। आर्काइव फॉर्मेट में आप RAR, RAR4 या फिर ZIP फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर ZIP फॉर्मेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको कंप्रेसर मेथड में बेस्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद का जो ऑप्शन है आप उसको डिफॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद आप उस फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आप सेट पासवर्ड पर क्लिक करें और कोई भी एक पासवर्ड ऐसे एंटर कर ले। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दे तो वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएगी, यानी कि आप जब उसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना है क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, सो अपन इसे कंप्रेस होने देते हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वो फाइल कंप्रेस हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका फाइल साइज भी दिखा देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वो कितना ज़्यादा कंप्रेस हो चुका है और उसका जो फाइल साइज है वो केवल 35 MB के रह गया है। अब हम फ्री फायर के जो एपीके फाइल है उसको भी पैक करते हैं ओबीबी फाइल के साथ ताकि आप इसे एक बार में ही डाउनलोड कर पाओ। इसका भी फाइल साइज आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अप्रॉक्स 43 MB का है। तो उसके लिए हम और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और फिर फ्री फायर के एपीके और कंप्रेस ओबीबी फाइल को इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर इसका टोटल साइज देख सकते हो, ये 79 MB के आसपास है। तो हम इसे कंप्रेस नहीं करेंगे, हम इसे ओरिजिनल फाइल साइज में ही रहने देंगे। हम जस्ट इसकी फॉर्मेट को चेंज करके ZIP फॉर्मेट कर देंगे ताकि ये एक जगह पैक हो जाए। उसके लिए भी सेम प्रोसेस, आप इस फोल्डर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐड टू आर्काइव इस पर क्लिक कीजिए, फिर आप ZIP फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए और आर्काइव मेथड में आप इसको नॉर्मली रहने दें। और बाकी सारे ऑप्शन को आपको नहीं छेड़ना है। आप चाहते हैं पासवर्ड सेट कर सकते हो तो हम सिंपल इस ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। इस पर ये बड़ी जल्दी कंप्रेस हो जाएगा, ये बिल्कुल ही टाइम नहीं लेगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका भी फाइल साइज आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो फाइल साइज है वो 77 MB का है। तो आप जस्ट 77 MB के अंदर फ्री फायर के एपीके और ओबीबी फाइल को डाउनलोड कर पाओगे। अब आप जिसे इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो वापस उसी फाइल साइज में आ जाएगा और आप इसका यूज कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सो आज के इस वीडियो को यही फिर एंड करते हैं। आई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।